अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टू मिनट्स मैनेजर में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ पे हम दो मिनट में ऐसी बुनियादी मैनेजमेंट की बातें डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हों और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आज हम रिव्यू की बात करेंगे और मैनेजमेंट की टर्म में से कंट्रोलिंग भी कहा जाता है। तो कंट्रोल बेसिकली एक फीडबैक मैकेनिज्म है, एक रिव्यू, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी कि जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए थे, जो हमने एक महीने में अचीव करने थे, तो हम देखते हैं कि एक हफ्ते में हम किस हद तक हमने वो अचीव किए हैं या 15 दिन में हमने कहाँ तक पहुँचना है और हम उस तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। मैं अंदाज़ा होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या तो आपकी प्लानिंग में कोई गड़बड़ है या आपने प्लान तो अच्छा किया था लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जो आपने रिसोर्स एलोकेशन और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आपने सेलेक्ट किया था, वो आप शायद नहीं कर पाए। तो ऐसी सूरत में रिव्यू आपको फीडबैक देता है और रिव्यू आपको वापस प्लानिंग की तरफ लेके जाता है। जब आप प्लानिंग में वापस जाएंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, हमने इसके लिए टाइमलाइन शायद सही डिसाइड नहीं की या इसके लिए रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट नहीं किए, अब हमें क्या करना चाहिए। सो यू कैन गो बैक टू द प्लानिंग और प्लानिंग को आप चेंज कर सकते हैं और फिर से आप अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, बीइंग ए मैनेजर आपका पहला बुनियादी मकसद ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। रिव्यू को कभी भी इस तरीके से ना लीजिएगा कि जैसे ये कोई क्लास लेनी है या खिंचाई करनी है टीम की या प्रेशर देना है। यस, सर्टेन लेवल ऑफ प्रेशर या स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए, बट वो एक इस लेवल का होना चाहिए जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो रिव्यू जरूर कीजिए। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आज आप किस लेवल पर खड़े हैं और क्या आप उस टाइमलाइन में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने जा रहे हैं या नहीं।